एक्सपोज। यहाँ पर सौरभ जोशी बोलता है जो आपके फैन हैं आते हैं उनको थोड़ा एक फोटो खींच दो, बिल्कुल मना। उसके पापा बोलते हैं नहीं, किसी को नहीं मिलने देना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। सौरभ जोशी इज क्राइंग बेबी। आपकी वीडियो आने आपको मैंने मना किया था। बाय बाय तो बोल रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज की ओपन टॉक्स में ये साबित हो जाएगा कि सौरभ जोशी एक रोते हुए बच्चे हैं और उन्होंने जिन लोगों ने उनको बनाया है उनके खिलाफ ही उनका बिहेवियर ऐसा नजर आएगा। जो भी हो आप सब लोग सौरभ जोशी को अनफॉलो करो। जो उनका थोड़े समय में ही इतना बड़ा बन जाना सर चढ़ के बोल रहा है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं एक वीडियो। बिहार से आ रहा हूँ अभी। प्लीज यार कुछ नहीं होगा, ऐसे बना के यार प्लीज। तो दोस्तों ये जो थे सौरभ जोशी के सब्सक्राइबर हैं, ये हम एक वीडियो हमने दिखाई है, ऐसी कई सारी वीडियोस हैं। सब्सक्राइबर जो हैं सौरभ जोशी के घर जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है कि कोई यूट्यूब पे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर, सेलिब्रिटी हम नहीं कहेंगे दोस्तों, क्योंकि ब्लॉगर, आप सबसे पहले हम आपको बता दें ब्लॉगर क्या होता है। ब्लॉगर कोई भी बन सकता है, आप चाहें तो आप ब्लॉगर बन सकते हैं। बस ये है कितने कम टाइम में कौन कितनी ऊँचाइयाँ छू लेता है, किसकी किस्मत कहाँ तक उसको ले जाती है। कि सौरभ जोशी भी ने भी एक आम तौर पे एक वीडियो शुरू की थी, फिर ब्लॉग की वीडियोस उन्होंने शुरू की, धीरे धीरे क्लिक होती गई चीज़ें तो ब्लॉग में आगे बढ़ते गए। बहुत मेहनत करके आया हूँ, ऐसे नॉर्मली नहीं मतलब उठाए चल दिए, बहुत दूर से और बहुत मेहनत करके आया हूँ। लेकिन अभी मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी है और जो डिफरेंट चीज़ें आपको दिखाते रहे, इसलिए सेलिब्रिटी तो इनको नहीं कहा जाएगा। लेकिन जो इनका व्यवहार अब देखा जा रहा है सब्सक्राइबरों के लिए भी, ये आप देख सकते हैं लगभग सब्सक्राइबर थे 3 लाख जब आप यूट्यूब फैन फेस्ट में गए थे, जब से फॉलो कर रहा हूँ आज इतनी मेहनत से आज यहाँ आया हूँ। तो दोस्तों आपने देखा, अगर कोई आपसे मिलने आएगा, क्या आपने शाहरुख खान, सलमान खान या अमिताभ बच्चन को कभी देखा है ऐसे कि कोई उनसे मिलने आए? उनकी तरफ चारों तरफ मीडिया भी रहती है, लेकिन कभी देखा है कोई आसपास लोग भी वीडियो उनके बनाते हैं जब कोई उनसे मिलने आता है? क्योंकि जो साथ में होते हैं वो लोग भी वीडियो बनाते हैं जो आते हैं उनसे मिलने, तो क्या वो वीडियो बनाने को मना करते हैं या फिर वो स्माइल नहीं करते हैं या वो ये कहते हैं कि सोसाइटी वाले ऑब्जेक्शन करेंगे ये करेंगे? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप इतने बड़े बन के बैठे हैं, इतने बड़े ब्लॉगर और आप सोसाइटी में रह रहे हैं, पूरा इंडिया आपको जान रहा है, तो क्या सोसाइटी इसमें ऑब्जेक्शन कर? यहाँ पर सौरभ जोशी करीब 2-3 महीने से इधर हमारे ऑलवेयर सोसाइटी में किराए का घर लिया है। अब ये तो अभी सुनने में आ रहा है कि नंबर 1 यूट्यूबर है, वो कितनी बार बोलता है जो आपके फैन हैं आते हैं उनको थोड़ा एक फ़ोटो खींच दो या कोई बात कर दो, वो बिल्कुल मना। उसके पापा बोलते हैं नहीं, किसी को नहीं मिलने देना। या प्राउड मोमेंट होगा कि कोई बाहर से आ रहा है, उसकी जगह एक ऐसा इंसान रह रहा है जिसको कि पूरा इंडिया जान रहा है एक ब्लॉगर के तौर पे। हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे दोस्तों, क्या जो सौरभ जोशी ये करते हैं सब्सक्राइबरों के लिए, एक वीडियो आप ये और देख सकते हैं। आपसे मिलने आए हैं पर वो अपने घर का ना गेट खोल रहा है ना वो आ रहे हैं हमसे मिलने। जिस तरीके से वो मिलते हैं अपने सब्सक्राइबर से, फिलहाल पहले की बात नहीं कर रहे, अब की बात कर रहे हैं जब इन्होंने थार भी ले ली है, एक अच्छे लेवल पे ये पहुंच गए हैं ब्लॉगिंग में, तो इनका जो मिलना होता है कि सब्सक्राइबरों ने भी ही इनको बनाया है। माना जा सकता है कि इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, क्या वो एक स्माइल करके या अच्छे फेस बना के सामने कोई इतनी दूर से आया, कोई कभी कभी बिहार से भी इनसे मिलने आया है, बहुत दूर दूर से लोग मिलने आए हैं, लेकिन इनका एकदम से फेस बनाना तो मैं नहीं आना चाहिए था। उस बंदे की एक्सपेक्टेशन ही ख़त्म हो जाएगी, वो इतनी दूर से आया है तुमसे मिलने और उसके सामने आप ऐसा बर्ताव करोगे, वीडियो मत बनाओ यार, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। इस सब्सक्राइबर हैं फैन जो होते हैं ना, या तो आपको अहमियत नहीं पता है, फ़ैन या सब्सक्राइबर जो होते हैं ना वो एक जुनून होता है उनमें मिलने का, वो आपको पसंद करते हैं। कोई पटना से या कोई इतनी दूर से कोई पागल नहीं है जो आपसे मिलने आ रहा है, एक प्यार का नाता है, एक प्यार है सब्सक्राइबर्स का फैंस आपसे। अब वो सोचते हैं जैसा आप वीडियो में नज़र आते हो असलियत में भी आप ऐसे ही इंसान होंगे। फैन बहुत दूर से आया हूँ मैं, तड़कपुर। तो वो बेचारे आते हैं, आप वो सोचते हैं फ़ोटो खिंचाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, थोड़ा ये फेमस हैं तो मैं भी थोड़ा फेम ले लूं कि मैं भी इनकी तरह इंस्पिरेशन लेके जाते हैं दोस्तों। अब फिर भी आए
भाई देखो अपना भी कुछ मतलब चाहते हैं ना, हम लोग भी थोड़ा अपनी लाइफ में थोड़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस बंदे ने भी सौरभ जोशी से क्या चाहा था कि एक छोटी सी क्लिप बना ले, वो चाहे उसने जिस तरीके से भी बनाई, लेकिन अगर सौरभ जोशी थोड़ा स्माइल कर देते, थोड़ा बोल लेते कि ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनका भी एक चैनल है, आप इनको भी देखो, ये एक बिहार से आए हैं मुझसे मिलने, इतना प्यार दे रहे हैं, तो क्या बिगड़ जाता जी। किसी की मदद करने में वो पब्लिक डिसाइड करती है उसका कंटेंट देखने लायक है कि नहीं, लेकिन एक प्यार का जो माहौल होता है सब्सक्राइबर का और एक चैनल के बीच, चैनल इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, सेलिब्रिटी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, वो आ रहे हैं हमसे मिलने, उसके अबा बोल रहे हैं तुम लोग किडनैपर। बेटी की बात करें तो हम मान सकते हैं बीबी की वाइंस, जिसने अलग तरीके का टैलेंट दिखाया है उसको हम सेलिब्रिटी मान सकते हैं, अलग डिफरेंट कैरेक्टर निभाए हैं। या आप बात करें हर्ष बेनीवाल, उस वो सेलिब्रिटी हो सकते हैं यूट्यूब के, आशीष चंचलानी, इन सबको एक तरीके से, और भी कई सारे नाम हैं उनको सेलिब्रिटी कहा जा सकता है, लेकिन जो इनके नाम के आगे भी जोड़ा जा रहा है सौरभ जोशी के नाम पे, माना जा सकता है बड़े बन चुके हैं, यूट्यूब चैनल इनका बड़ा हो चुका है, फ़ैन हो चुके हैं, सब्सक्राइबर हो इतने सारे हो चुके हैं, इनसे प्यार भी करते हैं, लेकिन उनका ये बर्ताव, दूर से बात मेहनत करके आए अभी मैंने फिर भी आए दोस्तों, ये हर बार है, ये कोई ना कोई बहाना, कोई बाहर आएगा इनके घर से, वो कहेगा अभी इनके उठने का टाइम नहीं है, अभी ये टाइम नहीं है, वो वेट करते हैं सब्सक्राइबर, इतने दूर से आते हैं तो चंद घंटे वो वेट करते हैं, लेकिन फिर वो कहना अभी नहीं उठे, वो चोरी छुपे गाड़ी से पीछे से निकलते हैं। अगर तुम दूर से खड़े होके ना हाय स्माइल भी कर दो ना, अपनी प्रॉब्लम हंस के बता दो, तो भी वो बेचारे मान जाएंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, कि वो नहीं आ रहे या बीमार हैं या फैमिली में कोई इशू है या कुछ बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अब प्यार से भी आप उनसे बात करोगे तो ना लोग मान जाएंगे, लेकिन आप इनको देखिए रिएक्शन क्या रहता है कोई इनसे मिलने आता है तो। बहुत मेहनत करके आए मना करे ना। हाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग, इस बहुत सारे लोग होंगे इस वीडियो को पसंद भी ना करें, लेकिन हमको हेट मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये फैक्ट है, अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी से मिल, सेलिब्रिटी की बात कर रहा हूँ, तो आप मिलने जाओगे तो उसके चेहरे पे आप देखोगे हंसी रहेगी, वो हंसी इसलिए क्योंकि बनाया किसने है इनको सेलिब्रिटी या यूट्यूब चैनल पे बड़ा, आप लोगों ने। अगर आप लोग सब्सक्राइब ना करें, आप लोग फॉलो ना करें, तो क्या ये बड़े बन पाएंगे? अगर आप ऐसे जाओगे दूर से और वो ऐसा बिहेव करेंगे तो किसी को भी बुरा लगेगा कि मेरे साथ क्या, मैं इतनी दूर से आया, क्या पता क्या मुझे और अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता था, क्योंकि इंसान अगर इतनी दूर से जाए, एक दिन का सफ़र करके जाए और केवल मिलने के लिए, केवल उनका एक टाइम, एक वीडियो बनाने के लिए उनके साथ, या कुछ वो ऐसा शब्द कहें कि आप इतनी दूर से आए। एक बार अक्षय कुमार के साथ भी दोस्तों ये हुआ था, उनका फ़ैन काफ़ी दूर से आया था, बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया था उसको, आप ये देख सकते हैं वीडियो। कहाँ से आए तुम? मैं द्वारिका से। और कैसा आया, चल के आए? बस चल के आए। चल मेरे को पता है सर, तो तुम उधर भी चल सकते हैं, इधर तक क्यों आए हो? आपसे मिलना है और एक ठीक, अभी अभी इसके बाद मत करना ऐसा। नहीं कभी नहीं, तो कभी क्या होता है हाईवे वाईवे में ट्रैफिक होता है इतना, कभी लग सकता है। हाँ गाड़ी वाड़ी रात को चलती है। हाँ तो आपने देखा दोस्तों, अक्षय कुमार ने कितनी अच्छे से ट्रीट किया, उसे समझाया। उसके उलट सौरभ जोशी क्या करते हैं, जिन लोगों ने आपको बनाया कि आप उनसे मिलना, कोई आएगा तो आप मिलेंगे नहीं, आप नहीं मिलेंगे तो फिर वो लोग क्या करेंगे आपको? अगर ऐसे ही रहा तो धीरे धीरे आप अनसब्सक्राइब करने लगेंगे लोग, क्योंकि अगर और हेट कोई नहीं फैला रहा है, हम कोई हेट मिलेगा ना, हम हेट फैला रहे हैं ना, कोई हेट फैला रहा है, जो आपके सामने, जो आप जिस तरीके का बिहेव कर रहे हो वो जनता के सामने लाने की कोशिश है। और इस वीडियो के बाद अगर आप में सुधार नज़र आएगा तो बहुत अच्छी बात है, हमारी विनती यही है, अगर कोई आपसे मिलने आता है, आप या कोई और भी, तो आप उससे अच्छे से बिहेव करें, जिससे कि वो बंदा भी बोले जी हाँ सौरभ जोशी सही में ऐसा है जो अपनी वीडियो में नज़र आता है, या कोई भी, चाहे वो फ्लाइंग बीस्ट हो या कोई भी, आप फ्लाइंग बीस्ट को देख सकते हैं, इनकी वीडियो में भी आए हैं, लेकिन वो भी एक लगता है बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। जिस यही होता है दोस्तों, एक मेच्योरिटी या बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाना, ये आप लोगों पे हम छोड़ते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है सौरभ जोशी का सब्सक्राइबर के खिलाफ ऐसा बिहेवियर क्यों नज़र आता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो का मकसद हेट फैलाना नहीं है, इस वीडियो का मकसद ये है आईना दिखाना। तो दोस्तों अब हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, सत्यमेव जयते।
पापा बोलते हैं नहीं, किसी को नहीं मिलने देना है, और गार्ड को भी किसी को एकदम मना करके रखते हैं।